ऊपर वाले ने काम को इतना प्यारा दिया है कि पूरे समाज की गंदगी साफ करनी है, पूरे शहर की। या पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, ये तो खैर मेरा परिवार है, मेरे भाई हैं। धन्यवाद आपका इसलिए कर रहा हूँ कि आप इन गरीब गुरबाओं की भी बात सुन रहे हैं। विधानसभा सत्र में सफाई कर्मचारियों की बुलंद आवाज उठाई थी, उसको देखते हुए हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। और बात रखनी है, वो बात भी होगी, अब सारे काम होंगे, इनका विधायक विधानसभा में है, इनकी बात हम रखेंगे और बजट में भी इस बार हम ये पूरा का पूरा पूछने का कार्य करेंगे। क्या बात, 15,000 भैया हो गए क्या, कोई इनसे पूछे? लेकिन हम जैसे को है ना, तो बच्चे पढ़ा सकते ना लिखा सकते, सबको अपनी अपनी परेशानी है। इनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलता। हमने समय समय पे विधानसभा में जब भी हमें मौका मिला हमने बात रखी है, क्योंकि वो वाल्मीकि समाज के, वरना सदन में और भी विधायक जाते हैं लेकिन वो सोने के लिए जाते हैं, हमें आज बब्बर शेर मिला है तभी बहादुर जी के तौर पे। उद्देश्य उनका होना चाहिए कि हमें लोगों को फायदा करना, उनको तो सिर्फ इतना पता है कि लोगों को डिस्टर्ब करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा, फिलहाल हम खड़े हैं नगर निगम के गेट पर, और आप लोगों को बताना चाहूंगा अखिल भारतीय मजदूर संघ के कुछ पदाधिकारी इस समय हमारे साथ हैं। आज जैसे कि हमको मालूम चला है कि ज्वालापुर से जो विधायक हैं इंजीनियर रवि बहादुर जी, आज इनके बीच में पहुंच रहे हैं, कुछ समस्याओं को लेकर जानकारी लेंगे और उस समस्याओं को विधानसभा सत्र में उठाया भी जाएगा। हमारे साथ रवि चौटाला जी, आकाश जी हैं, आइए एक एक करके बात करते हैं पदाधिकारियों से कि आज किस चीज को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मामला क्या है। रवि जी स्वागत है समाचार में, क्या कहना चाहेंगे, आज क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर? धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कहना तो यही चाहूंगा कि आज हमारे माननीय विधायक नगर निगम रुड़की में पधार रहे हैं, जिसके अनुरूप आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त सफाई कर्मचारीगण एवं सामाजिक कार्यकर्ता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके स्वागत समारोह के लिए, क्योंकि उन्होंने पूर्व में जो विधानसभा सत्र में सफाई कर्मचारियों की बुलंद आवाज उठाई थी, उसको देखते हुए हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं और कुछ मांग डिमांड हमारी जो शासन स्तर के हैं माननीय विधायक जी को प्रेषित की जाएगी इस संदर्भ में, और विधायक जी से आह्वान किया जाएगा कि आने वाले जो विधानसभा सत्र बैठेगा, जो सदन में बैठक होगी, उसमें सफाई कर्मचारियों का मुद्दा वो प्रमुखता से उठाएं और सफाई कर्मचारियों को न्याय दिलाने का कार्य करें। धन्यवाद आकाश जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं जो है आनंद जी, आनंद चंचल जी, आनंद चंचल जी क्या कहना चाहेंगे, आज उम्मीद कर रहे हैं विधायक जी जो ज्वालापुर से हैं रवि बहादुर जी पहुंचने वाले हैं, क्या उम्मीद करते हैं, कहां तक बुलंद करेंगे आप लोगों की आवाज? देखिए मैं अखिल भारतीय सभा मजदूर संघ का कोषाध्यक्ष आनंद चंचल, पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, और रवि बहादुर जी आज यहाँ पर आने वाले हैं, वो हमारी कर्मचारियों की कुछ समस्याएं हैं उन्हें सुनेंगे और उसका हल निकाल लेंगे, पहले भी उन्होंने ये काम किया है, तो हमारी सबकी यही उनसे अपेक्षा है कि वो हमें सुने और हमें समझे और आगे हमारी बात रखें। क्या कहना चाहेंगे, प्रमुख समस्या आप लोगों की, कुछ प्रमुख समस्याएं जो आज रखने वाले हैं आप रवि बहादुर जी सामने, क्या होंगी? देखिए पहले तो बात मैं आपका धन्यवाद करूँगा, अखिल भारतीय सभा मजदूर संघ का मैं विनेश, मैं अध्यक्ष हूँ। मैं रवि बहादुर जी से यही उम्मीद करूँगा हमारी कर्मचारियों की समस्या हमें समझे और हमारे कर्मचारियों की बात आगे रखें, यही मैं धन्यवाद। रवि जी प्रमुख कुछ समस्याएं थोड़ी जानना चाहूँगा जो आज रखने वाले हैं। हमारी प्रमुख मांगे ये हैं, अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 2 साल पहले डॉक्टर ललित मोहन रायाल कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उसमें सफाई कर्मचारियों को टूल भत्ता, महंगाई भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, अन्य ऐसी चीज हैं जो दी जानी थी, नियमितकरण होना था, ठेका प्रथा को समाप्त करके, संविदा को समाप्त करके, मोहल्ला संस्था समिति को समाप्त करके, इन्हें केवल नियमित करना था, लेकिन वो सिफारिशें भी मुख्यमंत्री जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिए। अब हम चाहते हैं कि जो 5,200 पद हैं उन्हें पुनर्जीवित किया जाए, सफाई कर्मचारियों को जो मृतक कैडर में हैं इनके लिए रोस्टर प्रणाली बनाई जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रही है सरकार, उदासीन रवैया अपना रही है, जिसका हम निराशमय वातावरण में सफाई कर्मचारी जी रहा है और अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए भी उन्हें अतिरिक्त धन नहीं दिया जा रहा, एक अल्प वेतन में सफाई कर्मचारी काम कर रहा। हम चाहते हैं कि विधायक जी के माध्यम से जो जिन्होंने वाल्मीकि समाज के प्रथम विधायक उत्तराखंड से, हम चाहते हैं कि वो हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे और हमें उन पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो वाल्मीकि समाज के, वरना सदन में और भी विधायक जाते हैं लेकिन वो सोने के लिए जाते हैं, हमें आज बब्बर शेर मिला है तभी बहादुर जी के तौर पर, जिन्होंने सफाई कर्मचारियों की आवाज़ बहुत ही अच्छे तरीके से उठाई है। धन्यवाद। कुछ माताएं बहनें हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं आज विधायक जी आ रहे हैं? क्या बात, 15,000 भैया हो गए क्या, कोई इनसे पूछे? लेकिन हम जैसे को है ना, तो बच्चे पढ़ा सकते ना लिखा सकते, सबको अपनी अपनी परेशानी है।
तो उम्मीद है रवि बहादुर जी आवाज उठाएंगे। बिल्कुल आवाज उठाएंगे। कुछ चलिए ऐसे समस्याएं हैं जिनको लेकर ये लोग परेशान है, वेतन का समय सही समय पर ना मिलना, इन सब बातों को आज रवि बहादुर जी के सामने रखा जाएगा। रवि बहादुर जी आ भी गए हैं, आइए बातचीत कर लेंगे। हमारे बीच में रवि बहादुर जी पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत हो रहा है यहाँ पर, हमसे भी बातचीत। रवि बहादुर कैसा हो? रवि बहादुर कैसा हो? जी विधायक जी स्वागत है समाचार न्यूज में आपका। आज ये लोग खड़े हैं आपके इंतजार में और आपका स्वागत समारोह कर रहे हैं। इनको कुछ उम्मीदें हैं आपसे कि विधानसभा सत्र में इनकी समस्याओं को आप उठाएंगे, प्रमुखता से उठाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? यार पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, ये तो खैर मेरा परिवार है, मेरे भाई हैं। धन्यवाद आपका इसलिए कर रहा हूँ कि आप इन गरीब गुरबाओं की भी बात सुन रहे हैं, इनको कवर करने के लिए आए हैं। देखिए वाल्मीकि समाज है और आपको भी पता है कि आज वाल्मीकि समाज की स्थिति क्या है। आज 7-7, 8-8, 9-9 हज़ार रुपये में झाड़ू मारने के लिए विवश है। ऊपर वाले ने काम तो इतना प्यारा दिया है कि पूरे समाज की गंदगी साफ करनी है, पूरे शहर की, पूरे देश की गंदगी साफ करनी है, पर उस हिसाब से इनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा है। हमने समय समय पे विधानसभा में जब भी हमें मौका मिला हमने बात रखी है और जाहिर सी बात है आगे भी बजट है, इस बार बजट सत्र है, बजट में भी इस बार पूछा जाएगा कि सफाई कर्मचारियों के लिए आपके पास क्या कितना बजट है। अच्छा कुछ मांग इनकी है कि मृतक आश्रितों के रिक्त जो पद हैं वो रिक्त पड़े हैं अभी तक और काफी समय हो गया है, प्रस्ताव जा चुका है लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? यार देखिए सरकार तो दिशाहीन है, सरकार पे तो कोई वही नहीं है, आपका कहते हैं ना एक जो मोटो नहीं है, एक जो उद्देश्य उनका होना चाहिए कि हमें लोगों को फायदा करना, उनको तो सिर्फ इतना पता है कि लोगों को डिस्टर्ब करना, लोगों को परेशान करके रखना, लोगों को उनकी समस्याओं में उलझा के रखो, कभी केवाईसी के नाम पे, कभी आधार में अपडेशन के नाम पे, कभी किसी और चीज़ों को लेके आ गए कि ये कर लो ऐसा कर लो, लोगों को सिर्फ परेशान करना है। कभी मीट की दुकानें बंद करवा देते हैं, कभी चालू करवा देते हैं। तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि इनकी बात रखनी है, वो बात भी होगी, अब सारे काम होंगे, इनका विधायक विधानसभा में है, इनकी बात हम रखेंगे और बजट में भी इस बार हम ये पूरा का पूरा पूछने का कार्य करेंगे। दूसरा ये जो इनकी आपने मांग उठाई है, मैंने जो अपनी विधानसभा में पहला सत्र में पहला जो मेरा भाषण था वो मैंने सफाई कर्मचारियों पर ही बोला था और उस वक्त सरकार ने ही हमें आश्वस्त किया था कि हम ललित मोहन रियाल कमेटी लागू करेंगे। अब वो ललित मोहन रियाल कमेटी में इनकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का समाधान खुद पे खुद है कि उसमें कितना आप लोगों को कर्मचारी चाहिए, कितनी पॉपुलेशन पे कितने होते हैं, जैसे कि 10,000 पे आपके 28 कर्मचारी होते हैं, ललित मोहन रियाल कमेटी में 10,000 पॉपुलेशन पे 40 कर्मचारी है और आज की डेट में 10,000 की पॉपुलेशन पे जहाँ तक मुझे उम्मीद है 5 या 6 कर्मचारी ही शायद ये काम करा रहे होंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक्स्ट्रा लोड दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा लोड है, एक्स्ट्रा लोड है और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक मेरठ जैसा शहर, हमारे पूरे प्रदेश से ज्यादा सफाई कर्मचारी मेरठ में है, सिर्फ एक शहर में, एक और एक प्रदेश और एक शहर है, तो मेरठ में यहाँ से ज्यादा, पूरे प्रदेश से ज्यादा सफाई कर्मचारी है, तो यहाँ के सफाई कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, जो कि इस बार हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर रवि बहादुर जी जो कि विधायक हैं ज्वालापुर से, उन्होंने बोला है कि भाई इस बार विधानसभा सत्र में प्रमुखता से इनके मुद्दे उठाए जाएंगे। समर्थ न्यूज से मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।